हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, बीएसएससी सीजीएल 3 के छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी जरूर करें, क्योंकि आज और कल छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी इस वीडियो को देखने के बाद शेयर जरूर करें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पिछले महीने 14 अप्रैल को बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आई और छात्रों में उत्साह भी देखने को मिला और छात्रों ने शुरुआती दिनों से फॉर्म को भरना शुरू किया, लेकिन बहुत से छात्रों के पास नया जाति आवासीय आय नहीं था, जिस कारण छात्रों ने अपने ब्लॉक में जाति आवासीय आय के लिए आवेदन दिया। और आप सभी जानते हैं कि ये प्रमाण पत्र बनने की कार्य अवधि 10 से 15 दिन है। कुछ छात्रों ने विज्ञापन जारी होने के कुछ दिन बाद ये प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया, जिस कारण उन्हें मई महीना में ये प्रमाण पत्र मिला और उसके बाद NCL के लिए आवेदन किया। NCL के लिए 10 से 15 दिनों का समय लग जाता है। और आप सभी को बता दूं कि पिछले एक सप्ताह से RTPS की साइट मेंटेनेंस में है और वेबसाइट खुल ही नहीं रहा है, जिस कारण कोई भी प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा है। छात्र लगातार RTPS ओपन कर रहे हैं, लेकिन कभी खुल रहा है तो कभी नहीं खुल रहा है। यह पिछले 7 से 8 दिनों से ऐसा हो रहा है। छात्र लगातार परेशान हो रहे हैं। एक अनुमान के मुताबिक 2 से 3 लाख ऐसे विद्यार्थी हैं जो NCL के लिए आवेदन दिए हैं, लेकिन वेबसाइट नहीं खुलने के कारण उनका प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पा रहा है, जिससे छात्रों को लग रहा है कि उनका फॉर्म नहीं भराएगा। तो आप सभी परेशान ना हो, हम सभी मिलकर आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए लगातार आयोग को सूचित कर रहे हैं कि बहुत से ऐसे छात्र हैं जो NCL अभी तक नहीं बन पाया है और कम से कम 30 मई तक आवेदन की तिथि को बढ़ाया जाए। छात्रों के लिए बिहार के सभी टीचर्स इकट्ठा हुए हैं, जैसे खान सर, नवीन सर, विपिन सर, SK झा सर और गुरु रहमान सर, और भी मेरे साथ साथ यूट्यूबर्स जैसे कि ट्रू न्यूज़ फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म, एग्जाम टूर, NBC 24, लाइव नेशन 7 और भी न्यूज़ चैनल आयोग को लगातार बता रहे हैं कि छात्रों का अभी तक फॉर्म नहीं भर पाया है और कम से कम 30 मई तक आवेदन तिथि को बढ़ाया जाए। और साथ ही साथ छात्र नेता और राष्ट्रीय छात्र एकता मंच के अध्यक्ष श्री दिलीप जी के द्वारा आयोग में एक आवेदन भी दिया गया। आवेदन के माध्यम से उन्होंने मांग किया कि 30 मई तक आवेदन तिथि बढ़ाया जाए और साथ ही साथ एडिट का भी ऑप्शन दिया जाए, क्योंकि कुछ छात्रों के द्वारा आवेदन भरने के समय गलतियां हो गई और कुछ साइबर वालों के द्वारा गलतियां हो गई। तो दिलीप जी ने कल आयोग में आवेदन दिया और निश्चित रूप से इसका असर होगा। आज 13 मई है और आज ज़्यादा संभावना है कि आयोग आवेदन तिथि बढ़ाने के लिए एक नोटिस जारी करेगी, क्योंकि आयोग भी समझती है कि पिछले 7 से 8 दिनों में RTPS वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रहा है। तो 100% निश्चित है कि आवेदन तिथि बढ़ेगी। तो आप सभी इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि जितना शेयर करेंगे उतना ये मुद्दा हाईलाइट होगा। तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।